नाजरीन, यूं तो आसमान पर कई पंछी उड़ते नजर आते हैं, मगर ईगल यानी बाज जब अपने परों को फैलाता है तो पूरा आसमान इसकी आमद पर पलकें बिछा देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आसमान के बादशाह ईगल यानी बाज के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात और हौसलों के बारे में, और बाज से जुड़े उन तमाम दिलचस्प हकाइक के बारे में जिन्हें जानकर आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जंगल राज बहुत बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार पूरी ज़िंदगी लड़ते रहना पड़ता है, लेकिन इससे बुरा क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्तों के बाद ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई और बहनों से, और जहां माँ और बाप बैठकर जिंदगी और मौत के इस खेल का तमाशा देखते रहें। नाज़रीन, एक मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो तकरीबन 2 हफ्तों के बाद ही अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ जीत या हार की लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए नन्हे बाज को अपने ही भाई और बहनों पर हमला करना होता है, और आखिर में सिर्फ एक ही फातिहा बनकर बच पाता है। बाज का ये मानना है कि जो सबसे ताकतवर होगा, जीने का हक भी सिर्फ उसी का है। जिंदगी की पहली जंग जीतने के बाद अगला मरहला आता है उड़ान सीखने का। नन्हे बाज के लिए ये मरहला भी काफ़ी मुश्किल होता है। जिस ऊंचाई पर बाकी परिंदे उड़ते हुए खौफजदा दिखाई देते हैं, इस मासूम को अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान उस ऊंचाई से शुरू करनी है। बाज अपने बच्चे को पंजे में भरकर उस दिल दहला देने वाली हाइट पर लाकर छोड़ देते हैं। हवा के जोरदार थपेड़ों के बीच जीने के लिए उन्हें फिर एक बार उड़ना ही होगा। इस मुश्किल ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये नन्ना बाज सीखता है, उसे तो फिर हवा भी सलाम करती है। नाजरीन, बाज के मजबूत पंजे इस कदर ताकतवर हैं कि ये भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीबन 1.5 गुना ज्यादा वजन का जानवर भी आसानी से उठा सकता है। ये अपने मजबूत पंजों की मदद से बंदर जैसे बड़े जानवर की खोपड़ी को भी चिटका सकता है। बाज के नाखून इतने नोकीले और तेजधार होते हैं कि ये एक ही वार में किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। बाज की चूंच भी शिकार को पकड़ने और नोचने में मददगार साबित होती है। इसकी चूंच आगे से नोकीली और मुड़ी हुई होती है, जिससे बाज को शिकार को काबू करने और नोचने में आसानी रहती है। ये काम बाज का वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इसके परों की बनावट और इसका कम वजन ही इसके उड़ने की रफ्तार को तूफानी बना देते हैं। नाज़रीन, एक चीज जो बाज को बाकी परिंदों से खास बनाती है, वो है इसकी इंतहाई तेज नजर। इसकी नज़र इतनी तेज होती है कि ये बादलों की हाइट पर भी जमीन पर चलने वाले चूहे को आसानी से देख सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि बाज एक वक्त में 2 अलग-अलग चीजों पर भी फोकस कर सकता है। जैसे हम पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं, और जब दूर की देखते हैं तो पास की धुंधला जाती हैं। लेकिन बाज के साथ ऐसा नहीं होता, ये एक ही वक्त में दूर और पास की चीजें देख लेता है। रहने की बात करें तो ये अपना घोंसला ऊंचे दरख्तों, चट्टानों और पहाड़ों पर बनाता है, जो कि साइज में इतना बड़ा होता है कि एक 6 फीट का आदमी इसमें आसानी से समा सकता है। नाज़रीन, आम परिंदे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन बाज कभी भी अपने रहने की जगह छोड़कर कहीं और नहीं जाता। शर्त यह है कि उसे खाने पीने के लिए मुनासिब हालात मुयस्सर रहें। एक ऐसा परिंदा है जो 70 साल से भी ज्यादा जिंदगी जीता है। नाज़रीन, जब बाज 35 से 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो जिंदगी एक बार फिर इसका इम्तिहान लेती है। होता कुछ यूं है कि इसकी चूंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि मुंह खोलकर कुछ खाना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता है, और पर इस कदर वजनी हो जाते हैं कि ये शिकार करने के लिए उड़ भी नहीं सकता, और यही हाल पंजों का भी होता है। अब बाज के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो घोंसले में पड़ा पड़ा भूख से मर जाए, या फिर जिंदगी के लिए तकलीफ बर्दाश्त करे। बाज फिर जिंदगी को ही चुनता है और अपनी चूंच को किसी बड़े पत्थर पर जोर जोर से मारता है ताकि वो आगे से टूट जाए। यही सलूक अपने पंजों के साथ भी करता है। ये सब करते हुए उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता है। इस सब के बाद सेहतयाब होने में उसे 5 से 6 माह का अरसा लगता है, लेकिन आखिर फिर वो अपनी शान शौकत के साथ आसमान पर नमूदार हो जाता है। आसमान को सच मुझे अपने राजा पर नाज है। नाज़रीन, बाज की इस मुश्किलात से भरी जिंदगी को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बल्कि आपको ही ताकतवर होना पड़ता है। उम्मीद है कि बाज की मुश्किलात से भरी जिंदगी पर मबनी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।